गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। इस टॉपिक का जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आपको एग्जाम्पल नंबर 3.10, 3.11, 3.12 और 3.13 ये सोल्व करने हैं, तथा बुक के पीछे के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आंकिक प्रश्न, उसमें संख्या 3.13, 3.14 और 3.17 आप लोग सोल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ आपके पास 7 क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने हैं। इस टॉपिक के नोट्स का पीडीएफ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो एग्जांपल है, ये न्यूमेरिकल है, ये ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ जाके इनको स्टडी कर सकते हैं। अब देखो, आवेशों के निकाय के कारण स्थित ऊर्जा तो किस प्रकार से गणना की जाएगी आपके पास। पहले जो स्थित ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है वो दो आवेशों के कारण ज्ञात करनी है, ये इसका मूल सूत्र बनेगा। दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। देखिए, हमने स्पेस में किसी भी तल में दो बिंदु मान लिए, ए और बी। इस ए और जो बी बिंदु आपके पास है, इनके मध्य की दूरी हम लोग कंसीडर कर लेंगे। आपके पास कोई भी दूरी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, और ये दूरी, इनके मध्य दूरी मैंने कितनी मान ली, ए। हम कहाँ गए, अनंत पे। अनंत पे हमने एक आवेश रखा, कितना, Q1, और अनंत से इस आवेश को इस बिंदु ए तक विस्थापित करेंगे। क्या बिंदु ए पे पहले से कोई विद्युत क्षेत्र है क्या, नहीं। यदि विद्युत क्षेत्र नहीं है तो Q1 को अनंत से बिंदु ए तक विस्थापित करने में जो कार्य आपको करना पड़ेगा, उस कार्य का मान कितना होगा, 0। कोई कार्य आपको करना नहीं पड़ेगा, तो ये कार्य कितना हुआ, W1। अब ये आवेश Q1 अनंत से कहाँ गया, A पे। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B के ऊपर विद्युत क्षेत्र भी होगा और विभव भी होगा, क्योंकि अब आवेश आ चुका है। तो बिंदु B पर इस Q1 आवेश के कारण जो विभव होगा, वो विभव कितना होगा, K Q1 बट्टा R। ये सूत्र आपने पढ़ा है कि बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कितना होता है, K Q बट्टा R। अब आप कहाँ गए, वापिस से अनंत पे, और आपने आवेश कितना रखा, Q2, और Q2 आवेश के कारण बिंदु B के ऊपर लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो देखो, विभव की परिभाषा क्या थी, V बराबर था W बट्टा Q। W बराबर क्या होता है, VQ। अब ये सूत्र क्या बताता है कि कार्य क्या होगा, कार्य होगा विभव, अर्थात उस बिंदु पर विभव जहां तक हम आवेश को लेके आ रहे हैं, उस बिंदु पर विभव गुणा क्यू। क्यू का मतलब लाया गया आवेश, लाया गया आवेश। तो W2 क्या है, एक तो उस बिंदु पर विभव है, और दूसरा उस पर लाया गया क्या है, आपके पास आवेश का मान है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे आप लोग, बिंदु B पे लेके आ रहे हैं, तो बिंदु B का विभव मुझे पता है कितना होता है, K Q1 बट्टा R। और कितना आवेश लेके आ रहे हो, Q2 गुणा में क्या, Q2। ये कार्य कितना होगा, W2। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा सर, कुल कार्य होगा W1 प्लस W2, और ये कुल कार्य ही कुल ऊर्जा के बराबर होगा। W1 का मान 0 और W2 का मान कितना है, K Q1 Q2 बट्टा R। तो U बराबर कितना आ गया, K Q1 Q2 बट्टा R। ये किसका मान आया आपके पास, दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान। अब देखिए, इस टॉपिक को नोट्स में किस तरह से आपको लिखना है वो समझ लीजिए। माना एक आवेश अनंत से बिंदु A पे लाया जाता है, जब अनंत से बिंदु A पे लेके आएंगे तो उसके द्वारा कार्य कितना होगा, 0। अब ये A पे आवेश कितना आ गया, Q1। तो A से R दूरी पे अन्य बिंदु क्या है, B। इस बिंदु A से R दूरी पे अन्य बिंदु कितना है, B है, जिस पर Q1 आवेश के कारण विभव होगा, वो विभव कितना होगा, K Q1 बट्टा R। अब क्या करोगे, अनंत से, कहाँ से, अनंत से किसको लेके आओगे, Q2 आवेश को। तो बोलेंगे अनंत से Q2 आवेश को बिंदु विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध B बिंदु तक विस्थापित करने में उत्पन्न विभव, तो विभव कितना होगा, W बट्टा Q2। तो वो विभव तो हमें पता है कितना है, K Q1 बट्टा R, K Q1 बट्टा R, W बट्टा Q2। W बराबर क्या हो गया, K Q1 Q2 बट्टा R। ये किया गया कार्य, और ये कुल कार्य, भाई पहला कार्य 0 है और दूसरा कार्य कितना है, K Q1 Q2 बट्टा R। ये कुल कार्य ही क्या कहलाता है,
स्थितिज ऊर्जा, तो यू का मान कितना आ गया के क्यू वन क्यू टू बट्टे में आर। ये तो दो निकाय के कारण है आपके पास। ऐसी आपको गणना करनी है तीन आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। देखिए इस मान की गणना कैसे की जाएगी आपके पास, कितने निकाय बेटा इस बार, तीन निकाय हैं, तो हम लिखेंगे तीन निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। पहले बताइए तीन निकाय के कारण किस प्रकार का सिस्टम आप बना सकते हैं। मूल रूप से तीन निकाय का जो सिस्टम बनेगा वो एक त्रिभुजाकार बनेगा। ये त्रिभुज मान लिया हमने, ये स्थिति ए, ये बी और ये क्या मान ली, सी। क्लियर। अब हम कुछ दूरियां मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं उनके पास कि ए से बी के मध्य की दूरी कितनी है, आर वन टू। इसको आर वन टू भी लिख सकते हैं या आर वन टू वेक्टर का मोड भी लिख सकते हैं। बी से सी के मध्य की दूरी हमने क्या मान ली, आर टू थ्री वेक्टर का मोड। और ए से सी के मध्य की दूरी हमने मान ली आर वन थ्री वेक्टर का मोड। आप कहाँ गए, अनंत पे। आपने कितना आवेश रखा, क्यू वन, और क्यू वन आवेश को अनंत से कहाँ लेके आ रहे, बिंदु ए तक। क्या ए पे पहले से कोई विद्युत क्षेत्र है, नहीं। अगर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो उसके विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, शून्य है। अर्थात प्रथम आवेश क्यू वन को अनंत से बिंदु ए तक जब आप विस्थापित करोगे तो किए गए कार्य डब्लू वन का मान कितना आएगा, जीरो। अब आप क्या करोगे, एक क्यू टू आवेश लोगे, इसको भी कहाँ रखोगे, अनंत पे। इस अनंत से इसको कहाँ लेके आओगे, बिंदु बी तक लेके आएंगे। परंतु आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अब इस निकाय में एक आवेश आ चुका है पहले से, कितना, क्यू वन, और इस क्यू वन निकाय का बिंदु बी पर एक विभव होगा, और वो विभव कितना होगा, के क्यू वन बट्टा दूरी आर वन टू वैक्टर का मोड। ये आपके पास मान हो, ये बिंदु बी का क्या है, विभव है। हमें क्या करना है, अनंत से क्यू टू आवेश को आप कहाँ लेके आ रहे, बिंदु बी तक। इस बार किया गया कार्य कितना होगा, तो अभी पहले बताया था कार्य क्या होता है, कार्य होता है उस बिंदु पर विभव, उस बिंदु पर विभव गुणा अनंत से लाए गए आवेश का मान, लाए गए आवेश का मान। तो डब्लू टू कितना लिखा जाएगा, उस बिंदु पर विभव कितना है, कि क्यू वन बट्टा आर वन टू वेक्टर का मोड गुणा अनंत से कितना लेके आ रहे हैं, क्यू टू। तो ये किसका मान है, डब्लू टू, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। तो अब क्यू टू आवेश भी कहाँ आ गया, बी पर, जिससे कि हम बिंदु सी पर कुल कितने विभव होंगे, दो। एक विभव होगा क्यू वन के कारण और एक विभव होगा क्यू टू के कारण। क्यू वन के कारण विभव कितना होगा, के क्यू वन दूरी कितनी है, आर वन थ्री वेक्टर का मोड, प्लस आपके पास जो द्वितीय आवेश क्यू टू, इसके कारण विभव कितना होगा, के क्यू टू, और दूरी कितनी है आपके पास, आर टू थ्री वेक्टर का मोड। ये आपके पास कुल विभव हुआ किस बिंदु का, बिंदु सी का। आप कहाँ पे हो, अनंत पे। आपने आवेश कितना रखा, क्यू थ्री, और अनंत से उसको कहाँ लेके आए, बिंदु सी तक। तो अनंत से सी तक क्यू थ्री आवेश को लाने में क्या गया, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य कितना होगा, डब्लू थ्री। कार्य क्या होता है, उस बिंदु पे विभव। तो उस बिंदु पे कुल विभव कितना है, के क्यू वन आर वन थ्री वैक्टर का मोड प्लस के क्यू टू आर टू थ्री वैक्टर का मोड गुणा अनंत से कितना लेके आ रहे हैं बेटा, क्यू थ्री। अंदर गुणा करके लिखो, डब्लू थ्री कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू थ्री आर वन थ्री वैक्टर का मोड प्लस के क्यू टू क्यू थ्री आर टू थ्री वैक्टर का मोड, डेट इज डब्लू थ्री। ये तीसरा कार्य। और ये तीन कार्य करने के बाद आपके तीनों आवेश त्रिभुज के तीन कोनों पे आ चुके हैं, तो कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य होगा डब्लू वन प्लस डब्लू टू प्लस डब्लू थ्री। डब्लू वन का मान जीरो है, डब्लू टू का मान कितना आया, के क्यू वन क्यू टू आर वन टू वैक्टर का मोड, यही तो था डब्लू टू का मान। और डब्लू थ्री का मान कितना है, के क्यू वन क्यू थ्री आर वन थ्री वैक्टर का मोड प्लस के क्यू टू क्यू थ्री आर टू थ्री वैक्टर का मोड। कुल कार्य W कितना लिखा जाएगा, के क्यू वन क्यू टू आर वन टू वैक्टर का मोड प्लस के क्यू वन क्यू थ्री आर वन थ्री वैक्टर का मोड
प्लस के क्यू टू क्यू थ्री आर टू थ्री वैक्टर का मोड, ये कुल कार्य है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो किस तरीके से, यदि आपके पास तीन आवेश हैं क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री, ये दूरी मान ली आर वन टू वैक्टर का मोड, ये दूरी मान ली आर टू थ्री वैक्टर का मोड, और ये दूरी कितनी है आर वन थ्री वैक्टर का मोड। आपने दो निकाय पढ़े हैं क्यू वन और क्यू टू, के मध्य की दूरी आर हो तो इनके मध्य की ऊर्जा या कार्य जो भी आप बोलना चाहो उसका मान कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू बट्टा आर। तो ऐसा करिए कि इसे तीन टुकड़े कर लीजिए, एक बार क्यू वन और क्यू टू के मध्य की ऊर्जा निकाल लो, फिर एक बार क्यू टू और क्यू थ्री के मध्य की ऊर्जा निकाल लो, और एक बार क्यू वन और क्यू थ्री के मध्य की ऊर्जा निकाल लीजिए, और तीनों ऊर्जाओं को जोड़ दीजिए तो आपके पास कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो यू वन कितना होगा, ये होगा के प्रथम आवेश क्यू वन, द्वितीय आवेश क्यू टू, मध्य की दूरी आर वन टू वेक्टर का मोड, प्लस यू टू कितना होगा, यू टू होगा के क्यू टू क्यू थ्री आर टू थ्री वेक्टर का मोड, प्लस यू थ्री कितना होगा, के क्यू वन क्यू थ्री आर वन थ्री वैक्टर का मोड। अब भी रिजल्ट वही आएगा। देखिए अब इसको नोट्स में किस प्रकार से आपको लिखना है, कितने आवेशों का, तीन आवेशों का, तो ये रहा तीन आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा। पहला क्या है, अनंत से क्यू वन को ए बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य कितना होगा, जीरो, क्योंकि कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा। इसी प्रकार से अनंत से Q2 को बिंदु B तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, W2, और उसका मान कितना होगा, K Q1 Q2 बट्टे में R12 वेक्टर का मोड। इसी प्रकार से अनंत से Q3 को बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य कितना होगा, W3, उस बिंदु का विभव इतना था और आवेश कितना लेके आ रहे हैं, क्यू थ्री। कुल कितना हो जाएगा आपके पास, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री, डब्ल्यू वन का मान जीरो, डब्ल्यू टू का मान ये रहा और डब्ल्यू थ्री का मान ये रखा आप लोगों ने, तीनों को जोड़ा तो ये कुल कार्य या कुल स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, चार आवेशों के निकाय की क्या निकालने, स्थितिज ऊर्जा। अब चार आवेशों के निकाय के कारण किस प्रकार से, मान लीजिए ये एक वर्ग है Q1, Q2, Q3, Q4, आपके Q1 और Q2 के मध्य की दूरी बोल दी R12 वेक्टर का मोड, Q2 और Q3 के मध्य की दूरी R23 वेक्टर का मोड, Q3 और Q4 के मध्य की दूरी R34 वेक्टर का मोड, और ये है R14 वेक्टर का मोड। इसी प्रकार से इसके दो विकर्ण भी हैं Q1 और Q3, ये दूरी लिखी जाएगी R13 वेक्टर का मोड, और Q2 और Q4 ये दूरी लिखी जाएगी आपके पास R3 सॉरी 24 वेक्टर का मोड। आपको तो कुल चाहिए, तो क्या करेंगे, कुल ऊर्जा या कुल कार्य क्या होगा, आपके पास इन दो के मध्य Q1 और Q2 के मध्य कितनी ऊर्जा होगी, K Q1 Q2 R12 वेक्टर का मोड, प्लस अब 2 और 3 के मध्य कितनी होगी, K Q2 Q3 R23 वेक्टर का मोड, प्लस 3 और 4 के मध्य कितनी ऊर्जा होगी, K Q3 Q4 R34 वेक्टर का मोड, प्लस 4 और 1 के बीच में कितनी ऊर्जा होगी, K Q1 Q4 R14 वेक्टर का मोड, प्लस अब विकर्ण देखिए, Q1 और Q3 के मध्य कितनी ऊर्जा होगी, K Q1 Q4 R14 वेक्टर का मोड, प्लस विकर्ण 2 और 4 के मध्य कितनी ऊर्जा होगी, K Q2 Q4 अपॉन R24 वेक्टर का मोड। तो ये चार निकाय का कुल ऊर्जा का क्या निकल के आया, सूत्र आपके पास ये सूत्र है, और यही चीज यहाँ भी लिखा गया, चार निकाय का कुल ऊर्जा या कुल कार्य इतना प्राप्त होगा। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास, आपने दो निकाय के लिए निकाला, तीन के लिए निकाला, चार के लिए निकाला, और यदि एन निकाय हो तो एन निकाय के लिए ये सूत्र प्राप्त होगा। ये सूत्र क्या है, एक बटा दो के समीशन आई और जे, दो वेरिएबल हैं जहां आई का मान एक से स्टार्ट होगा, जे का मान भी कहां से स्टार्ट होगा, एक से, और ये मान कहां तक जाएंगे, एन तक, जहां आई और जे का मान कभी एक दूसरे के क्या नहीं होंगे, बराबर। ये क्या सूत्र है जो हमें याद रखना है। थैंक यू।